जब भी व्हाट्सएप ओपन करता हूँ, ईमेल ओपन करता हूँ या फिर कमेंट चेक करता हूँ, तो कई व्यक्तियों के लगातार मुझे पिछले 2-3 दिन से ऐसे कमेंट मिल रहे हैं, मैसेज मिल रहे हैं, ईमेल पर भी व्यक्ति लिख रहे हैं, सर जी हमने लोन लिया है और हम अभी उसको पे करने की स्थिति में नहीं है। कोई कहता है हमने क्रेडिट कार्ड लिया था, उसका बिल जो है हम नहीं पे कर पा रहे हैं, और हमारे पास में लोक अदालत से एक नोटिस आया है जिसमें कि 11 तारीख की डेट दी गई है। अब उस 11 तारीख की डेट पर अगर हम जाते हैं तो क्या हमारा लोन जो है वो 90% तक माफ हो सकता है? क्या हमें पूरे तरीके से राहत वहां पर मिलेगी? और अगर हम नहीं जाते हैं तो क्या हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई केस हो जाएगा? आखिर होगा क्या? और लोक अदालत का नोटिस आए तो हमें क्या करना चाहिए, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? और क्या लोक अदालत में लिया गया डिसीजन मान्य होता है या नहीं होता है? आज की इस वीडियो में हम इसी सब पर डिस्कस करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप जरा भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने वीडियो स्किप कर दिया तो जो भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी जा रही है आप 110% मिस कर देंगे। अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पे आए हैं और आप चाहते हैं हम आपके लिए इसी प्रकार की यूजफुल इन्फॉर्मेशन लेकर के आते रहें, आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑन कर दें ऑल नोटिफिकेशन को। उससे क्या होगा, कोई भी हमारे द्वारा वीडियो लेकर के आ जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। आपके लिए हम एक पेड सर्विस लेकर के आए हैं। हाल ही में हमने इस सर्विस की शुरुआत की है क्योंकि काफी व्यक्ति ऐसे हैं जो हमसे पर्सनली बातचीत करना चाहते हैं, अपना इशू हमें बताना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इंस्टेंटली उनको हेल्प मिले। तो देखिए, अगर आप इस पेड सर्विस को लेने में सक्षम हैं, यहाँ पर हमारी छोटी सी फी आपको पे करनी पड़ेगी। आपको यहाँ पर हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करानी है, जैसे आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर प्लस आपका जो प्रॉब्लम है, और आपको बताना है आपको टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट चाहिए। जब ये सब चीजें आपको बता दें, आप लोग हमें बता देंगे, तो हम आपका एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर देंगे और आपको अच्छे तरीके से ऑन कॉल हेल्प कर देंगे और आपकी जो प्रॉब्लम है उसको पूरे तरीके से शॉर्ट आउट कर देंगे। हालांकि हम कोई अधिवक्ता नहीं है, बट हमारे साथ में मल्टीपल अधिवक्ता जो है वो कनेक्टेड है। अगर हमें लगेगा कि ये केस एडवोकेट के लिए है, एडवोकेट इसको सॉल्व करेगा, तो आपके केस को एडवोकेट के पास में फॉरवर्ड कर देंगे। आइए अब बढ़ते हैं अपने मेन सब्जेक्ट की तरफ। आप में से काफी ऐसे व्यक्ति हैं, किसी ने किसी वजह से कोई लोन लिया है और वो व्यक्ति उसको पे नहीं कर पा रहा है, और लोन की राशि जो है किसी की 1 लाख है, किसी की 2 लाख है, किसी की 3 लाख है, और उनको पूरे तरीके से अब नोटिस मिला है लोक अदालत का। अब लोक अदालत का नोटिस मिलने पर आखिर होगा क्या? देखिए, बैंक और NBFC से अगर आपने लोन लिया है और बैंक NBFC पूरा प्रयास कर चुका है, पूरी तरीके से देख चुका है रिकवरी का प्रोसेस करके, और वो पैसा जो है वो रिकवर नहीं कर पा रहा है, अब बैंक को लग रहा है कि यार कुछ भी हो पैसा बस किसी भी तरीके से रिकवर हो जाए, तो बैंक क्या करेगा, आपको लोक अदालत में बुलाएगा। लोक अदालत का मतलब क्या होता है? लोक अदालत का होता है मतलब मध्यस्थता, मतलब आपस में दोनों पक्षों को सुनकर के जो वहां पर रिटायर्ड जज होंगे वो आपको बता देंगे आपको क्या करना चाहिए। अब इसमें कुछ लोग कहते हैं कि आपका 80% तक लोन वहां पर माफ हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं 90% तक लोन वहां पर माफ हो जाता है। तो देखो, वो डिपेंड करता है आपके कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर, आप किस तरीके से बैंक NBFC को कम्युनिकेट करते हैं, आप किस तरीके से वहां पर बातचीत करते हैं। देखिए, आप जनरल कोर्ट में जाते हैं या फिर हाई कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वहां पर क्या होता है, एक डिसीजन दे दिया जाता है आपके प्रति, आपकी जो प्रॉब्लम है या फिर बैंक की जो प्रॉब्लम है उसको सुनने के बाद में फिर सारी चीजें होती हैं। अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो उसके लोअर कोर्ट में कोई डिसीजन सुनाया गया तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर लोक अदालत में किसी प्रकार का आपने कोई समझौता कर लिया तो वहां पर फिर आप किसी तरीके से कोई भी कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, राइट? क्या होता है, कुछ बैंक और NBFC पूरे तरीके से लोगों को मिसगाइड करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, वहां बुला लेते हैं और बंदे उन्हीं के होते हैं और उनसे सिग्नेचर करा लेते हैं ब्लैंक पेपर पर, और फिर उनका जो सेटलमेंट है वो कह देते हैं कि इतने में हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, तो वहां पर ना व्यक्ति फंस जाता है। इसीलिए कभी भी अगर आप लोक अदालत जा रहे हैं तो कभी भी बगैर पढ़े किसी डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर ना करें, किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आप ना आए, ध्यान रहे। अब ऐसा नहीं है कि लोक अदालत में जो डिसीजन आपका खिलाफ सुना दिया वो आपको एक्सेप्ट ही करना है, आप एक्सेप्ट नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, नोटिस आ जाता है इग्नोर भी कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बस लोक अदालत में जाकर के ये नहीं करना है कि भाई आपको वहां पर किसी भी डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर कर देना है, ये बिल्कुल नहीं करना है। और लोक अदालत में जाकर के पूरे तरीके से आपको
जो है अपनी प्रॉब्लम्स ही बतानी है और कुछ नहीं करना है। अब लोक अदालत में आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, देखिए अगर आपका लोन हो चुका है ज्यादा अमाउंट का और आप चाहते हैं कि कम से कम मतलब पैसा आपको बैंक को देना पड़े, तो देखिए आप लोक अदालत में विजिट कर सकते हैं और अपनी बात वहां पर रख सकते हैं। अगर पैसा आपके पास में नहीं है, आप पूरी तरीके से पैसा देने की स्थिति में नहीं है, आप 1 लाख भी नहीं दे सकते हैं, 2 लाख भी नहीं दे सकते, तो आप लोक अदालत के नोटिस वगैरह को इग्नोर भी कर सकते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत या फिर परेशानी नहीं बनने वाली है। कोई भी व्यक्ति आपको कहता है कि लोक अदालत का नोटिस आ जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, क्योंकि देखो आजकल ना मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पर ना लोगों को भ्रम बहुत ज्यादा दिया जा रहा है, लोगों को ना मैन्यूपुलेट बहुत ज्यादा किया जा रहा है, लोगों को ना मिसगाइड बहुत ज्यादा किया जा रहा है, जो पूरे तरीके से मुझे सही नहीं लगता है। देखिए आपने अगर किसी बैंक एनबीएफसी से लोन लिया है और आप अगर सेटलमेंट भी करते हैं तो आपकी फाइनेंशियल डेथ है। बहुत सारे यूट्यूबर आपको बताएंगे कि भैया कोई बात नहीं, आपने सेटलमेंट कर लिया, सिविल तो 3 साल बाद 4 साल बाद बेहतर हो जाएगा। देखो हमारे बताने में और चीजों को प्रैक्टिकल रूप से करने में ना थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा नहीं मैं तो बहुत डिफरेंट मानता हूँ, लेकिन कुछ लोग थोड़ा मानते हैं ना उसको भी तो बहुत सरलता से बताते हैं। तो देखो किसी की बातों में ना आए, एक बात ध्यान रखें, सामने वाला व्यक्ति बता देता है आपको कि ऐसे करना है वैसे करना है, लेकिन जब खुद पे पड़ती है ना तो बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है, व्यक्ति पूरे तरीके से नहीं कर पाता है। तो इसीलिए मैं आपको एक पर्सनल एडवाइस ये करूंगा, अगर देखो आपने किसी बैंक एनबीएफसी से लोन लिया है, आप उसको टाइमली पे करें, पे करने की स्थिति में नहीं है तो कोशिश करें आप उसको पे करें और अपनी इनकम को बेहतर करने का प्रयास करें। तो लोक अदालत को लेकर के जो भी आपके सवाल थे कि भाई लोक अदालत का लीगल नोटिस आ जाना चाहिए तो आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये भी हमने आपको बता दिया। हमने आपको ये बता दिया लोक अदालत में क्या 90% या फिर 80% तक के लोन जो है वो माफ होते हैं, वो डिपेंड करता है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, ये हमने क्लियर कर दिया आपको, क्योंकि मेरे काफी सब्सक्राइबर थे जिनके हुए भी हैं 90% में या फिर 80% में, और वो जो लोन हुए हैं क्लियर वो क्रेडिट कार्ड वगैरह के हुए हैं, लेकिन उनके लोन को डिफॉल्ट हुए कम से कम 2 साल 4 साल ऐसा हो गया था तब वो हुए हैं। लेकिन अगर आपका 5-6 महीने पुराना ये लोन, तो देखो मुश्किल है कि आपको 50% तक भी छूट मिल जाए, पॉसिबल नहीं है। तो काफी व्यक्ति पूरे तरीके से ऐसे ही सवाल करते हैं, तो आपके सभी सवालों का हमने जवाब दे दिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है आप इस वीडियो को लाइक करके जा सकते हैं, अच्छा नहीं लगा है वीडियो को आप डिसलाइक करके जा सकते हैं। कोई सुझाव देना है आपको ईमेल और कमेंट के जरिए दे देना होगा। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी है हमने आपको बता दिया है, आप हमारी पेड सर्विस का उपयोग कर सकते हैं अगर आप पेड सर्विस लेने में सक्षम हैं। थैंक यू सो मच।